नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोग का जो लगातार डिमांड आ रहा था दोस्तों कि सर रेगुलेशन को खत्म कीजिए, रेगुलेशन को खत्म कीजिए सर, तो आज उसी के मद्देनजर मैं रेगुलेशन जहां छोड़ा था वहां से फिर से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट डिग्री माइंस में भी हो वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट के लिए मंथली प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट डिग्री माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट के लिए मंथली प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 5,000 टन। कौन बोल रहा है? रेगुलेशन 31 बोल रहा है ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि सेकेंड डिग्री माइंस और थर्ड डिग्री माइंस में बीओ अपॉइंट करने के लिए मंथली प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट डिग्री माइंस में। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि सेकेंड या थर्ड डिग्री माइंस अगर है वहां पर अगर आपको बीओ अपॉइंट करना है तो उसका मंथली प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2,500 टन या उससे अधिक। कौन बोल रहा है? रेगुलेशन 31 बोल रहा है। ठीक है, अब इस रेगुलेशन में टर्म है दोस्तों, वो टर्म आप ध्यान से समझिए। क्या बोलता है इसमें कि अगर फर्स्ट डिग्री माइंस है और एवरेज प्रोडक्शन 15,000 टन से अधिक है। कितना है? फर्स्ट डिग्री माइंस है, एवरेज प्रोडक्शन कितना है? 15,000 टन से अधिक। दूसरा टर्म क्या है इसमें कि सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री माइंस है, एवरेज प्रोडक्शन कितना है? 10,000 टन से अधिक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी वो कौन बनेगा? तो नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर वाला ही व्यक्ति भी वो बनेगा। ठीक है, कौन बनेगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति जो है। कौन कौन से सिचुएशन में? कि अगर फर्स्ट डिग्री माइंस है और उसका एवरेज प्रोडक्शन 15,000 टन से अधिक है, और अगर सेकेंड या थर्ड डिग्री माइंस है और उसका जो है एवरेज प्रोडक्शन क्या है? 10,000 टन से अधिक है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि भीओ जो होगा उसका सर्टिफिकेट, उसका जो योग्यता होगा वो क्या होगा कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति ही भीओ बनेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट डिग्री माइंस में कितना प्रोडक्शन वाली माइंस में सीआई भीओ वेंटिलेशन ऑफिसर के पद को रेगुलेशन 29 के अधीन एसओ यानी सेफ्टी ऑफिसर के पद के साथ मिला दिया जाएगा। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए कि फर्स्ट डिग्री माइंस है और उसका प्रोडक्शन कितना है कि सीआई जो है चीफ इंस्पेक्टर वेंटिलेशन ऑफिसर के पद को रेगुलेशन 29 के अनुसार सेफ्टी ऑफिसर के पद के साथ मिला देगा। तो फर्स्ट डिग्री माइंस में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए? कितना होना चाहिए दोस्तों? कि सीआई जो है वेंटिलेशन ऑफिसर का पोस्ट को जो है उस सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट के साथ मिला देगा, उसका प्रोडक्शन होगा 15,000 टन से कम। अगर 15,000 टन से कम कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि चीफ इंस्पेक्टर वेंटिलेशन ऑफिसर का जो पोस्ट है वो रेगुलेशन 29 के अधीन क्या करेगा? सेफ्टी ऑफिसर के पद के साथ मिला देगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 32 पे। 32 से मैंने 4 क्वेश्चन बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो 32 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? रेगुलेशन 32 से पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि माइंस में इंजीनियर अपॉइंट कब किया जाएगा। माइंस में इंजीनियर हम अपॉइंट कब करेंगे? कब करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिक 650 वोल्ट से अधिक यूज होता है तब। माइंस में इंजीनियर अपॉइंट तब होगा जब इलेक्ट्रिक 650 वोल्ट से ज्यादा यूज होता है तब। कौन बोल रहा है? रेगुलेशन 32 बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि माइंस में कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर इंजीनियर अपॉइंट किया जाएगा, यानी इंस्टॉलेशन का जो कैपेसिटी होगा अगर माइंस में वो कितना होगा कि वहां पर हमको इंजीनियर अपॉइंट करने का प्रावधान है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 1.5 MVA। अगर इतना है इंस्टॉलेशन कैपेसिटी तो वहां पर हमको इंजीनियर अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? रेगुलेशन 32 बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ओपन कास्ट माइंस में इंजीनियर कब अपॉइंट किया जाएगा। ओपन कास्ट माइंस में इंजीनियर अपॉइंट करने कब अपॉइंट करेंगे या क्या प्रावधान है?
तो कब करेंगे कि जब 1500 एचपी से अधिक पावर की एचईएमएम यूज हो तो, यानी कोई ओपन कास्ट माइंस है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1500 एचपी से हॉर्स पावर से अधिक का हम लोग एचईएमएम यूज कर रहे हैं, तो वैसे माइंस में क्या होगा कि हमको इंजीनियर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि इंजीनियर का ऑथराइजेशन कितने दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। अगर किसी को हम लोग इंजीनियर का ऑथराइजेशन देते हैं तो वो ऑथराइजेशन जो है वो कितने दिनों के लिए प्रभावी रहेगा, कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। कहां से आ रहा है ये बात? रेगुलेशन 32 से आ रहा है ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेते हैं आज का 8वां नंबर क्वेश्चन जो है रेगुलेशन नंबर 39 से। इसके बीच का जो मैं रेगुलेशन छोड़ दिया हूं ना दोस्तों, इसमें किसी तरह का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन नहीं रहा था दोस्तों। ठीक है, तो टाइम को बचाते हुए मैंने पहले ही बताया कि मैं जो भी दूंगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बन सकता है मैं उसी रेगुलेशन को उसी पॉइंट को उठा के दूंगा आपको, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो ठीक है, मैं लेता हूं रेगुलेशन 39 से। इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर किस रेगुलेशन में दर्शाया गया है। क्या बोल रहा है इस रेगुलेशन में कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर किस रेगुलेशन में दर्शाया गया है, रेगुलेशन 39 में दर्शाया गया है इस बात को दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है इस क्वेश्चन कि मैनेजर ओपन कास्ट माइंस में वीक में कितना दिन पर्सनल सुपरविजन करेगा, यानी कि अगर ओसीपी है ओपन कास्ट माइंस है तो उसमें मैनेजर कितना दिन भाई विजिट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा या अपना सुपरविजन देगा, कितने दिन देगा? वीक में प्रतिदिन, पर डे, रोजाना। कौन बोल रहा है ये बात? रेगुलेशन 43 बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन 43 का दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि अगर यूजी माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है, तो वीक में कितना दिन मैनेजर वर्किंग इंस्पेक्शन करेगा। अंडरग्राउंड माइंस का इंस्पेक्शन जो है वो मैनेजर कितने दिन, एक सप्ताह में कितने दिन करेगा, कितने बार करेगा? 4 बार करेगा, मिनिमम 4 डेज। कौन बोल रहा है ये बात? रेगुलेशन 43 बोल रहा है ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि यूजी माइंस में मैनेजर नाइट शिफ्ट में कब इंस्पेक्शन करेगा। यूजी माइंस में जो नाइट शिफ्ट में जो मैनेजर है इंस्पेक्शन करेगा वो कब करेगा, वो कब करेगा? फोर्टनाइट, मतलब 14 दिन, मिनिमम 1 बार। फोर्टनाइट में मिनिमम 1 बार, यानी एक पखवाड़े में मिनिमम 1 बार। कौन बोल रहा है ये बात? रेगुलेशन 43 बोल रहा है ये बात। ठीक है दोस्तों, और रेगुलेशन 43 का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में मेटेरियल की कमी होने पर मैनेजर कितने दिनों के अंदर मेटेरियल उपलब्ध कराएगा। क्या बोल रहा है इसमें कि डिस्ट्रिक्ट में मेटेरियल की कमी होने पर मैनेजर कितने दिनों के अंदर मेटेरियल उपलब्ध कराएगा, कितने दिनों के अंदर? 3 दिनों के अंदर। कौन बोल रहा है ये बात? रेगुलेशन 43 बोल रहा है ये बात। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को 31 से लेकर 43 तक का जो कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता था मैंने दिया। आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा दोस्तों, और मैं वादा करता हूं कि ये जो रेगुलेशन का जो वीडियो आप लोगों के डिमांड पे है, रेगुलेशन एक्ट और रूल, इनका जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है मैं 1-2 महीने के अंदर, मेरा वादा है कि मैं जरूर पूरा करके दूंगा, क्योंकि सामने आप लोगों के पास 2-3 एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों। और रेगुलेशन एक्ट और रूल, ये सब चीज जो अगर कहा जाए कि माइनिंग एजुकेशन का क्या है रीड, तो मैं जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश करूंगा। और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज मेरे हिम्मत को लगातार बढ़ाते रहिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी अपने काम करने का हिम्मत और जज्बा बना रहे। धन्यवाद।